तो आज का हमारा टॉपिक काफ़ी ज़्यादा डिमांडेबल होने वाला है। तो हे गाइस, मेरा नाम है अजय, आप देख रहे हो ADCA विथ अजय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ कि आप एक कैसे बिल्कुल मस्त सा रिज्यूम वगैरह बना पाओगे। और इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा सर्च वगैरह किया है, ताकि आप लोगों को एक परफेक्ट तरीके से रिज्यूम वगैरह बनाने के लिए सिखा। जब भी आप जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करो तो आप बेहतरीन सा रिज्यूम बना करके आप वहाँ पर दे पाओ। वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इस वीडियो से आप लोगों को कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप देख पाओगे ये हमारा रिज्यूम जो कि मैंने कुछ इस प्रकार से बनाया हुआ है, और इसके आप लोगों को सभी स्टेप वगैरह मैं बताने वाला हूँ आगे। तो आप देख पाओगे रिज्यूम वगैरह कुछ ऐसे हमने बनाया हुआ है। बाकी आप चाहो तो ये जो ग्रीन कलर वगैरह दिख रहा है आप इसको चेंज वगैरह भी कर पाओगे, मैं आगे बताऊंगा कैसे आप चेंज वगैरह भी कर पाओगे। तो फिलहाल तो मैंने कुछ ऐसे बनाया है आप लोगों को दिखाने के लिए। सो आप देख पाओगे काफ़ी बढ़िया रिज्यूम बना करके तैयार किया है, कोई भी दिखेगा तो कहेगा कि हाँ भाई बंदे ने अच्छा काम किया है। तो चलिए इस प्रकार का रिज्यूम वगैरह बनाने के लिए मैं आप लोगों को सिखाता हूँ कि क्या करना होगा। सबसे पहले आप अपना MS वर्ड में ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर लीजिए, और MS वर्ड का यूज करके हम रिज्यूम वगैरह बनाना सीखेंगे। तो मैंने MS वर्ड ओपन कर लिया है और साथ ही में एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट भी ओपन कर लिया है। तो सबसे पहला आप लोगों को जो पैराग्राफ लिखना है वो लिखना है रिज्यूम। देख पाओगे हमने रिज्यूम लिख दिया है, और रिज्यूम लिखने के बाद आप लोग देख पाओगे ये पैराग्राफ आप लोग लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा, तो इसको आपको सेंटर में लाना होगा। सेंटर में लाने के लिए आपको यहाँ एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये सेंटर में आ जाएगा, और इसको ऑल सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से बोल्ड कर दीजिए। बोल्ड करने के बाद आप इसको एक अंडरलाइन भी कर दीजिए, यहाँ से आप अंडरलाइन कर सकते हो। जैसा मैं आप लोगों को स्टेप वगैरह बता रहा हूँ बिल्कुल सेम स्टेप वगैरह आप फॉलो कीजिए, आपका डेफिनेटली बिल्कुल, अगर आपको कुछ भी नहीं आता MS वर्ड में आज तक आपने कुछ भी नहीं किया फिर भी आप रिज्यूम वगैरह बना पाओगे। सो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, कुछ ऐसे सेलेक्ट करना होगा और यहाँ से आपको बड़ा करने का ऑप्शन दिख रहा होगा ए, और ऊपर में कुछ ऐसे आप लोगों को एक एरो वगैरह दिख रहा होगा। तो यहाँ क्लिक करेंगे और इसको 14 तक रखेंगे, 14 तक ज़्यादा बेहतर दिखेगा ये। उसके बाद आप लोगों को फिर से क्या करना होगा, इंटर बटन पर प्रेस करना होगा। इंटर बटन पर आप प्रेस करते हो तो आप देख पाओगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से नीचे ये कर्सर दिख रहा है, तो नीचे में कर्सर ये सेंटर में दिख रहा है, तो इसको हमें लेफ्ट साइड में लाना है। तो लेफ्ट साइड में लाने के लिए आप लोग यहाँ इरेजर दिख रहा होगा, इरेजर पर क्लिक कीजिए। इरेजर पर आप क्लिक करोगे यहाँ पर अपने ये बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाएगा, और स्टार्टिंग में आने के साथ साथ ये जो बॉन्ड वगैरह लगे थे वो सभी रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहला अपना नाम लिखना है, तो आप अपना नाम लिख लीजिए जो भी आपका नाम है। और नाम लिखने के बाद आप लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले अपना नाम पूरा ऐसे कम्प्लीटली सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से इसको बॉन्ड कर दीजिए। बॉन्ड करने के बाद आप यहाँ से इसको भी बड़ा कर लीजिए, और रिज्यूम 14 था तो इसको 16 कर लीजिए। रिज्यूम से ये थोड़ा बड़ा दिखना चाहिए ताकि ये और बेहतर दिखे, आपका नाम हाईलाइटेड रहे। इसको अंडरलाइन बिल्कुल भी नहीं करना है, फिर से आप एंटर बटन पर प्रेस कीजिए, और फिर यहाँ पर भी आप लोग देख पाओगे कुछ इस प्रकार से सभी डार्क में शो हो रहे हैं। तो बॉन्ड वगैरह इन सभी को हटाने के लिए जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, तो एक बार और बता देते हैं कि आपको यहाँ पर जो भी आप कुछ ऐसे फॉर्मेट वगैरह लगाए हैं उन सभी को रिमूव करने के लिए आप देख पाओगे क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे तो ये बिल्कुल शुरुआत से हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पर आप अपना एड्रेस लिख दीजिए, कम्प्लीट एड्रेस आप यहीं पर गाइस लिख दीजिए ताकि अच्छा दिखे। चलिए मैं यहाँ पर आप लोगों को कम्प्लीट एड्रेस लिख करके दिखाता हूँ। सो गाइस आप देख पाओगे हमने अपना कंप्लीट एड्रेस लिख लिया है। एड्रेस लिखने के बाद आप एंटर बटन पर प्रेस कीजिए, और आप देख पाओगे जैसे मैंने एड्रेस लिखा है आप अपने अकॉर्डिंग आपका जो एड्रेस वगैरह है वो कहीं से पता कर लीजिए अगर आपको पता नहीं है तो, बाकी आप वो गूगल मैप वगैरह पर पता कर सकते हो बिल्कुल कुछ इस पैसे कम्प्लीट एड्रेस। तो एड्रेस हमने लिख लिया है, एड्रेस लिखने के बाद आप लोगों को नीचे में लिखना होगा कॉन्टैक्ट नंबर। कॉन्टैक्ट नंबर लिखने के बाद आप लोगों को यहाँ पर एक सेमी कॉलम लगा देना होगा, तो लगा देते हैं। सो फिर से आप लोगों को स्पेस बटन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आप +91 जरूर से लिखिएगा, ये आपके नंबर को थोड़ा अट्रैक्टिव दिखाएगा और लिखना भी ज़रूरी होता है। और फिर स्पेस दीजिए, फिर यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिए। तो हमने कुछ ऐसे मोबाइल नंबर वगैरह लिख दिया, और यहाँ पर मैं 2 स्टार लगाता हूँ ताकि मुझे नंबर वगैरह हाइड करना है, आप समझ सकते हो। बाकी आप अपना यहाँ पर कंप्लीट नंबर लिखिएगा। नंबर लिखने के बाद फिर आप एक बार एंटर प्रेस कीजिए, और एंटर प्रेस करने के बाद आप यहाँ पर लिखिए ईमेल आईडी भी दर्शा दीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पर ईमेल आईडी दे देता हूँ। सेमी कॉलम लगाएंगे, स्पेस पर क्लिक करेंगे और अपना ईमेल आईडी लिख देते हैं।
और गाइस आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस वाले ईमेल पे हमसे कॉन्टैक्ट वगैरह भी कर सकते हैं। बाकी आप देख पाओगे जो भी मैंने लिखा है कुछ ऐसे काफ़ी दूर दूर दिख रहा है, उससे पहले मैं आप लोगों को ये आपको इसको बोन्ड कर देना होगा। तो बोन्ड करने के लिए मैंने जैसा आप लोगों को बताया सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर बोन्ड पर क्लिक कीजिए, फिर इसको भी बोन्ड कर देंगे। तो इसको भी ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं, ये मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पर बोन्ड कर दिया। तो आप भी कुछ इस प्रकार से नंबर कॉन्टैक्ट कुछ ऐसे बोन्ड वगैरह कर लीजिए, बाकी ये हाईलाइटेड होने चाहिए ताकि ठीक ठाक दिखे। उसके बाद आप इसको ऑल सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पर अजय तक आपके नाम तक इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन दिख रहा होगा लाइन एंड पैराग्राफ स्कपिंग, तो आप इस पर क्लिक कीजिए और उसके बाद आप लोगों को रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पे क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा कि आपने जो एक्स्ट्रा स्पेस वगैरह लिए थे वो कवर हो जाएगा। जीमेल के लास्ट में क्लिक करना है जहाँ पर मैंने किया है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को एक बॉर्डर का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर आप लोगों को जो नीचे की साइड में डॉट दिख रहा है यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ से आप एक बॉटम बॉर्डर यूज कर लीजिए। तो बॉटम बॉर्डर पर मैंने यूज किया है ताकि रिज्यूम वाला पोर्शन जो आपका एड्रेस नाम कॉन्टैक्ट वगैरह है वो ऊपर में दिखे, ये ताकि कैटेगरी वाइज में डिवाइडिंग हो जाए। नीचे यहाँ पर आप डबल क्लिक कीजिए और डबल क्लिक करने के बाद आप देख पाओगे कर्सर वगैरह दिख रहा है वो यार थोड़ा ऊपर आप लोगों को लाइन में सट करके दिख रहा है, तो इसको रिमूव करने के लिए या फिर आप कह लो कि इसको सुधारने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, इसको थोड़ा हमें नीचे करना होगा। तो फिर से आप यहाँ पर जो ये ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद आप लोगों को ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ पे क्लिक कर दीजिए। तो आप देख पाओगे ये थोड़ा सा नीचे आ गया है और जो पैराग्राफ में स्पेस वगैरह है वो ऐड हो गया है। अब यहाँ पर आप लोगों को लिखना है ऑब्जेक्टिव, और ये रिज्यूम मैं फ्रेशर्स के लिए बना रहा हूँ तो आप इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। तो आप देख पाओगे मैंने ऑब्जेक्टिव लिख दिया और ये आप लोगों को कंप्लीट कैपिटल लेटर में लिखना होगा, और लिखने के बाद आप लोगों को इसको बोन्ड कर देना है। बोन्ड करने के लिए आप ऐसे सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से बोन्ड कर दीजिए, और बोन्ड करने के बाद आप इसको कलर ग्रेडिंग कर दीजिए। कलर ग्रेडिंग करने के लिए अगर आप लोगों को नहीं पता है कैसे किया जाता है तो मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पर आप लोगों को एक कलर वगैरह का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर आप साइड में क्लिक कीजिए और यहाँ से आप एक कैड वगैरह कलर वगैरह यूज कर लीजिए, लाइक आपको जो भी कलर वगैरह पसंद आता है। तो चलिए मैं एक कोई सा भी कलर वगैरह यूज कर ले रहा हूँ, तो ये वाला यहाँ पर मैंने कलर वगैरह यूज कर लिया। उसके बाद आप चाहो तो इसको बॉर्डर वगैरह भी दे सकते हो कंप्लीट बॉर्डर, लाइक मैं आप लोगों को दे करके दिखाता हूँ एक बार कि मैं कैसे बॉर्डर की बात कर रहा हूँ। सो आप देख पाओगे जैसा मैंने यहाँ बॉर्डर दिया है कुछ ऐसे, तो मैं यहाँ पर एक बॉर्डर देकर दिखाता हूँ। बॉर्डर देने के लिए भी आप लोगों को यहाँ ऑब्जेक्टिव पर क्लिक करना होगा, और ऑब्जेक्टिव पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ से आप लोगों को आउटसाइड बॉर्डर्स दिख रहा होगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। आउटसाइड बॉर्डर पर आप क्लिक करोगे तो आप देख पाओगे ये कुछ ऐसे बॉर्डर वगैरह दे देगा, और बॉर्डर देने से फ़ायदा ये होगा कि आप लोगों का ये जो बॉर्डर वगैरह दिख रहा है इससे आप लोगों का कलर ग्रेडिंग काफ़ी अच्छे से मिनिमल तरीके से दिखेगा। सो इतना कर दिया जी। उसके बाद आप लोग सबसे पहले तो आप यहाँ पर एक फ़ोटो भी ऐड कर लीजिए, आप एक पासपोर्ट साइज का फ़ोटो ले लीजिए, लाइक मैं ये वाला फ़ोटो ले लेता हूँ। फ़ोटो पर क्लिक कीजिए और ये मेरा एक PNG फॉर्मेट में है, बाकी काम चल जाएगा। फ़ोटो को ओपन करने के बाद आप यहाँ से कंट्रोल सी कर दीजिए। कंट्रोल सी करने के बाद वर्ड में और MS वर्ड में आने के बाद आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। आप देख पाओगे जीमेल के लास्ट में मैंने क्लिक किया है, और यहाँ पर आप उस फ़ोटो को पेस्ट कर दीजिए। तो आप देख पाओगे फ़ोटो मैंने पेस्ट किया तो ये काफ़ी बड़ा सा फ़ोटो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा। तो इस पर फ़ोटो पर आप क्लिक कीजिए, और क्लिक करने के बाद ऊपर में आप लोगों को फॉर्मेटिंग में आप लोगों को एक एक्स्ट्रा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से पिक्चर टूल। तो यहाँ पर आप लोगों को वेब टेक्स्ट पर क्लिक करना है, और यहाँ से आप इन फॉन्ट ऑफ टेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आप देख पाओगे ये कुछ ऐसे हो जाएगा, तो आप इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए। फ़ोटो वॉलपेपर वगैरह यहाँ पर दिख रहा था वो यहाँ से यहाँ सेलेक्ट नहीं होगा, तो इसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा वीडियो में। बाकी आप देख पाओगे मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लिख दिया है, फिर नीचे डबल क्लिक करूँगा तो ये कर्सर नीचे आ जाएगा, और नीचे आने के बाद यहाँ पर आप फ्रेशर हो तो आपको अपने जॉब के लिए जहाँ पर भी आप जॉब वगैरह अप्लाई करना चाहते हो वहाँ पर अप्लाई करने के लिए आप किस पर्पज से जॉब वगैरह को पाना चाहते हो, आप उसके कितने काबिल हो, ये बताने के लिए आपको ऑब्जेक्टिव में यहाँ पर लिखना होगा। तो जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ आप चाहो तो वो कॉपी कर सकते हो, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग भी कुछ एक्स्ट्रा लिख सकते हो। दो लाइन का मैं लिखना चाहूँगा तो मैं लिख देता हूँ। सो मैंने अपने नोट्स में लिखा था तो यहाँ से मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया है, तो आप देख पाओगे कुछ इस प्रकार से आप भी दो लाइन का यूज कर सकते हो। बाकी आप चाहो तो इसी को ही कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। उसके बाद आप एंटर पर क्लिक कीजिए। एंटर पर क्लिक करने के बाद फिर से आप लोगों को यहाँ लिखना होगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो चलिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिख देते हैं। सो गाइस आप देख पाओगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमने लिख लिया है। फिर से आप लोगों को क्या करना होगा,
इसको ऐसे सेलेक्ट वगैरह भी कर सकते हो, और आप चाहो तो यहाँ पे ऐसे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा फॉर्मेटिंग पेंटर, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। और क्लिक करने के बाद आप जहाँ भी इस पर आपको क्वालिफिकेशन पे क्लिक करना है, तो आपका कुछ इस प्रकार से ये बॉन्ड वगैरह के साथ ऐसे कलर ग्रेडिंग वगैरह हो जाएगा। फिर आपको इसको और सेलेक्ट करना है और इसको टोटली बॉन्ड कर देना है। तो आप देख पाओगे मैंने कुछ इस प्रकार से बॉन्ड वगैरह कर दिया। उसके बाद आप फिर से क्या कीजिए, अगर आप यहीं पर एंटर प्रेस करते हो तो आप देख पाओगे ये कुछ आप लोगों को ये जो आपने ग्रेडिंग वगैरह किया था वो थोड़ा नीचे तक आ जाएगा। तो इसके लिए आप लोगों को सही करना अगर, तो आपको यहाँ पर इरेजर पर क्लिक करना होगा। तो आप देख पाओगे आप नीचे के साइड में आ सकते हो, आप चाहो तो डबल क्लिक करके भी ये काम कर सकते हो जैसा कि मैंने ऊपर में किया है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप देंगे यहाँ पर, आपने क्या कुछ पढ़ाई वगैरह की है यहाँ पर, आप लोगों को कंप्लीट वही इन्फॉर्मेशन लिखना होगा। तो आपने जो भी पढ़ाई वगैरह किया है आप यहाँ पर वो एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिख दीजिए। तो यहाँ पर लिखने के लिए सबसे पहले तो आप यहाँ पर डॉट या फिर कोई एरो वगैरह का यूज कर सकते हो जैसा कि मैंने यहाँ पर किया है, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप जो भी डॉट वगैरह यूज करना चाहो कर सकते हो। तो वहाँ पर मैंने यहाँ पर कुछ इस प्रकार से डॉट वगैरह यूज किया है, यहाँ पर थोड़ा अलग यूज करेंगे और यही सभी चीज़ें मैं कॉपी करके वहाँ पेस्ट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन दिख रहा होगा, तो यहाँ पर क्लिक कीजिए और यहाँ से आप लोगों को काफ़ी सारे यहाँ पर ऑप्शन वगैरह दिख रहे हैं, आप जो भी लाइक रखना चाहो वो रख सकते हो। तो फिलहाल तो मैं यहाँ पर इस वीडियो के लिए इस वाले को रखना चाहता हूँ क्योंकि ये यार थोड़ा ज़्यादा ही ठीक दिख रहा है। तो आप यहाँ इसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद जो भी आपने पढ़ाई वगैरह किया है यहाँ पर वो पेस्ट कर दीजिए, लाइक लिख दीजिए। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस प्रकार से लिख दिया है, फिर से एंटर प्रेस करेंगे। एंटर आप जैसे ही प्रेस करेंगे वो ऑटोमेटिक एक और डॉट आ जाएगा। तो सो आप देखोगे हमने अपने सभी क्वालिफिकेशन को यहाँ पर लिख दिया है। तो आप भी वीडियो को पॉज करके अच्छे से जो भी आपने क्वालिफिकेशन वगैरह की है वो कंप्लीट यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पे लास्ट में क्लिक कीजिए, फिर से एक बार एंटर प्रेस कीजिए। और एंटर प्रेस करने के बाद आप देख पाओगे कर्सर यहाँ दिख रहा है, तो इसको बैक कीजिए। बैक करने के बाद आपका ये कर्सर स्टार्टिंग में आ जाएगा। आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपका ये साइड दिख रहा है लाइन वो बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, इधर उधर नहीं भगना चाहिए। करके सेम टू सेम टाइप करोगे तो आपका ये डेफिनेटली इधर उधर नहीं भगेगा, कंप्लीट होगा। नीचे में अदर डिटेल वगैरह भी डाल सकते हो, तो मैं एक अदर एकेडमिक डिटेल डाल लेता हूँ। आपने जो भी अदर पढ़ाई के समय काम वगैरह किए हैं, लाइक आपने जिस भी चीज़ में पार्टिसिपेट वगैरह किया था, NCC वगैरह, या फिर आपने जो भी पढ़ाई के साथ ही कुछ और अगर आपने किया हुआ होगा तो आप यहाँ पर अदर एकेडमिक डिटेल में डाल सकते हैं। इसे आप पर क्लिक कीजिए, इसको बोन कर दीजिए। बोन करने के बाद आप इसको भी कलर ग्रेडिंग कर दीजिए। तो यहाँ पर आप बीच में कहीं क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे फॉर्मेटिंग पेंटिंग पे, और उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। तो आप देख पाओगे ये कलर ग्रेडिंग हो जाएगा। उसके बाद आप फिर से यहाँ पर डबल टैप कीजिए। डबल टैप करने के बाद जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आपने जो भी पढ़ाई वगैरह किया है वो यहाँ पर आप लिख दीजिए, तो मैं वहाँ से कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूँ क्योंकि अगर मैं लिखूँगा तो काफ़ी स्लो, मेरी टाइपिंग बहुत ज़्यादा स्लो है, इसलिए मैंने यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर भी आप ये एरो वगैरह दे दीजिए, यहाँ से एरो कुछ ऐसे आप देख पाओगे जैसे कि मैं दे रहा हूँ। सो इस प्रकार से आप येरो वगैरह यहाँ पर भी दे दीजिए। उसके बाद आप फिर से लास्ट में क्लिक कीजिए, तो आप देख पाओगे मैंने कुछ इस प्रकार से गॉट सेकंड प्राइज एट जर्नल लेवल इन साइंस प्रोजेक्ट ऑफ फिजिक्स। तो कुछ ऐसे आप भी अपने आइडिया से अपने अकॉर्डिंग लिख लीजिएगा। बाकी यार मैं अगर एक एक चीज़ें बताने लगूँ तो काफ़ी ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैंने कुछ इस प्रकार से डायरेक्ट ही लिख दिया। आप थोड़ा समझ करके आप अपने अकॉर्डिंग लिख लीजिएगा। लाइक अगर आपने NCC वगैरह लिया है तो आप चाहो तो NCC वगैरह भी लिख सकते हो, या फिर कुछ भी आपने डांस में पार्टिसिपेट वगैरह किया है 26 जनवरी 15 अगस्त या फिर जो भी, सो आप यहाँ पर लिख दीजिए। ये एक एक्स्ट्रा ऑप्शन होता है, तो यहाँ पे क्लिक इंटर प्रेस कीजिए तो आप देख पाओगे ये एक एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो इसको बुलेट को ऐसे रिमूव कर देंगे, उसके बाद इस बैक स्पेस से वो रिमूव हो जाएगा, आप समझ पा रहे होंगे। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को एक और पैराग्राफ देना होगा, इसमें आप लोगों को देना होगा टेक्नोलॉजी स्किल। तो मतलब आपने टेक्निकल स्किल में क्या कुछ सीखा है, आपको टेक्नोलॉजी के बारे में क्या कुछ पता है। तो यहाँ पर इसको मैंने लिख दिया और इसको भी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से बोन कर देंगे। बोन करने के बाद इसको भी एक कलर ग्रेडिंग कर देते हैं। तो फिर से इस पर यहाँ पर बीच में क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ला करके ऐसे क्लिक कर देंगे। तो आप देख पाओगे एंटर पर प्रेस करूँगा तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो इसको ऐसे यहाँ से रिमूव कर देंगे। और फिर आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पर आपने लिखना है सबसे पहले तो यहाँ से एक
ये ऐड कर लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। वो आपका टाइम बचाने के लिए मैंने कुछ इस प्रकार से कॉपी पेस्ट कर दिया, आप देख पाओगे बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर अगर लिख दिया, फिर एंटर बटन पर प्रेस करेंगे तो आप देख पाओगे आपका जो ये आपने लिया था बुलेट वगैरह वो दोबारा से दिखेगा। तो इसको क्लिक करके ऐसे बैक स्पेस से कट कर देंगे। फिर आप लोगों को नीचे में आना है और यहाँ पर आपने लिखना है वर्क एक्सपीरियंस। तो ये आप यार अगर फ्रेशर हो तो फ्रेशर लिखेंगे, और अगर आप फ्रेशर नहीं हो, आपने इससे पहले कहीं काम वगैरह किया है, तो आपका ये थोड़ा चेंज हो सकता है। आप अपने जो भी काम वगैरह किया है उसके अकॉर्डिंग आप लिख लीजिएगा। बाकी अगर आप फ्रेशर हो तो आप फ्रेशर के लिए जैसा मैं बना रहा हूँ वैसे आप लोगों को कर देना होगा। उसके बाद आप यहाँ डबल क्लिक कीजिए, और फ्रेशर के लिए तो फ्रेशर ही होता है तो फ्रेशर यहाँ लिख देते हैं। तो ये हमने फ्रेशर लिख दिया, और यहाँ से एक और बुलेट ऐसे ऐड कर लेते हैं तो आप देख पाओगे फ्रेशर हमने लिख दिया। क्लिक करेंगे, बैक स्पेस को 2 से 3 बार दबाएंगे तो आपका ये कर्सर स्टार्टिंग में चला जाएगा। और आप चाहो तो अपने कंपनी को अपना हॉबीज वगैरह भी बता पाओगे, तो यहाँ पर लिखेंगे स्टैंड एंड हॉबीज। तो अपना स्टैंड और हॉबीज अपने कंपनी को बताना चाहो तो आप इस वाले पहला अगर आपको यूज कर सकते हो। बाकी आप चाहो तो इसको स्किप तो नहीं कर सकते, आप लिख लीजिएगा, काफ़ी क्या ही जाता है, लिख लीजिएगा कुछ ऐसे थोड़ा और अच्छा दिखेगा करके। नहीं लिख दिया, इसको भी सेलेक्ट करेंगे, बोन करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे और फिर ऐसे क्लिक कर देंगे, सो आप देख पाओगे। उसके बाद आप अपना हॉबीज़ वगैरह तो गाइस आप अपना अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो जो भी आपकी हॉबीज़ वगैरह हैं। बाकी क्रिकेट वगैरह आप इसमें जर्नली डाल ही दीजिएगा, क्योंकि वो यार लाइक सबके फेवरेट होते हैं, तो क्रिकेट वगैरह डाल दीजिएगा। अगर गर्ल वगैरह हैं तो भी यूज कर सकती हैं, बाकी बॉयस वगैरह के लिए ठीक है। फिर यहाँ पर स्टार्टिंग में आइए और यहाँ से सेम बुलेट आप यूज कर लीजिए, तो ऐसे करते जाएंगे। सो आप देख पाओगे हमने कुछ इस प्रकार से इतना हमारा जो है कि रिज्यूम वगैरह रेडी है। बाकी आप बताओ अच्छा लग रहा है या नहीं। उसके बाद यहाँ पर फिर से एक बार लास्ट में क्लिक करेंगे और एंटर बटन पर प्रेस करेंगे, 3 बार स्पेस बैक स्पेस को प्रेस करेंगे। यहाँ हम लिख देंगे पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल लिखने के बाद इसको भी कुछ ऐसे सेलेक्ट वगैरह कीजिए, जैसा आपने सभी में कुछ दोहराए वगैरह थे तो ऐसे बिल्कुल दिखते जाइए आप वीडियो को, तो ऐसे लिख दिया हमने। फिर लास्ट में क्लिक करेंगे एंटर। आप चाहो तो जैसा आपने डबल क्लिक करके भी कर सकते हो ये सभी चीज़ें। बाकी उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर अपना पर्सनल डिटेल डालना था। आपने जो ऊपर में यहाँ पर गाइस आपने जो अपने डिटेल वगैरह डाले थे वो डिटेल यहाँ पर आप लोगों को नहीं डालना है, आपको यहाँ डिफरेंट डालना है। एक ही चीज़ें 2 बार डाल दोगे तो क्या ही यार। तो चलिए यहाँ पर डिटेल वगैरह हम डाल देते हैं। तो डिटेल वगैरह कुछ ऐसे डालेंगे जैसा कि मैंने यहाँ पर डाला है, फादर्स नेम लिखने के बाद इंटर बटन पर प्रेस करेंगे और यहाँ लिखेंगे डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ हमने डेट ऑफ बर्थ लिख दिया, फिर से एंटर पर प्रेस करेंगे, और एंटर पर प्रेस करने के बाद लिखना होगा मैरिटल स्टेटस। तो मैरिटल स्टेटस, तो यहाँ पर हमने लिख दिया मैरिटल स्टेटस। और मैरिटल स्टेटस लिखने के बाद आप फिर से एक बार एंटर पर प्रेस कीजिए और फिर एक बार एंटर पर प्रेस, तो आप देख पाओगे एंटर पर प्रेस करने के बाद यहाँ नीचे एक और पेज बना आ रहा है। तो इसको आप यहाँ से कुछ इस प्रकार से कर्सर की मदद से इसको हटा दीजिए। तो ये मैंने एक सिंगल पेज में ही ये करना है, प्रिंटिंग वगैरह भी इसको करना है इसलिए। उसके बाद आप देख पाओगे यहाँ पर मैंने जैसे लिख दिया, फिर यहाँ पर आपको बीच में कैसे लाइन ड्रॉ करना होगा ताकि फादर्स नेम जो है वो इस साइड और कुछ इस साइड, जनरली आप समझ सकते हो, मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लाइक आप देख पाओगे ये जो रोलर आप लोगों को दिख रहा है ये आप में भी कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ से यहाँ तक दिख रहा होगा, तो ये मेरे में 16 तक दिख रहा है, तो 16 तक दिख रहा है। तो यहाँ से आपको एक यहाँ बीच में अपने पॉइंटर को लेकर के जाना है। बीच में ले जाने के बाद मैं बीच में लेकर जाता हूँ। उसके बाद आप यहाँ से इसको ऐसे ड्रॉ कीजिए और आप इसके आधे पार्ट में ले जा करके ऐसे कुछ इसको ड्रॉप कर दीजिए। पॉइंटर को यहाँ पर बीच में ले जाइए, और बीच में ले जाने के बाद इसको यहाँ से एक पॉइंटर लीजिए और पॉइंटर को यहाँ आधे पर ले जा करके रोक दीजिए। और यहाँ पर आप आधे पर ले जा करके रोकोगे तो आपका ये पॉइंटर कुछ यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ लिखना है फादर का नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, और मैरिटल स्टेटस लिखना है। तो सभी के साथ में आप लोगों को सेमी कॉलम यूज करना है। तो सबसे पहले आप सभी यहाँ टैब बटन पर प्रेस करते जाइए और यहाँ पर आ जाइए, फिर सेमी कॉलम में यूज कर लीजिए पहले। तो
मैं रिकमेंड करूँगा पहले आप सेमी कॉलम यूज कर लीजिए कुछ इस प्रकार से जैसे मैं कर रहा हूँ। तो आप देख पाओगे मैंने लाइन्स ऐसे सेमी कॉलम में यूज कर लिए, और सेमी कॉलम में यूज करने के बाद यहाँ पर आप डबल क्लिक कीजिए, सिंगल क्लिक में भी आ जा रहा है कि SH, उसके बाद फादर का नाम लिखिए, तो लिख दिया हमने। फिर से आप लोगों को यहाँ पर डबल टैप करना है और यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए। डेट ऑफ बर्थ आपको अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना होगा, तो मैं अपना डेट ऑफ बर्थ लिख देता हूँ। तो वैसे मैंने अपना यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ लिख दिया। फिर से आप पे यहाँ क्लिक कीजिए, और क्लिक करने के बाद मैरिटल स्टेटस में आप अगर मैरिज हैं तो मैरिज और सिंगल हैं तो सिंगल लिख दीजिए। तो ऐसे मैं सिंगल लिख देता हूँ। तो आपको यहाँ पर मैरिटल स्टेटस में सिंगल लिख देना होगा। सिंगल लिखने के बाद आपको यहाँ पर फिर से नीचे डबल क्लिक करना है, और यहाँ पर आप लोगों को आ जाना है आप नीचे जो आए थे, और यहाँ जो ये यह दिख रहा है इसको इग्नोर कीजिए, और यहाँ पर आप आ जाइए, और यहाँ पर आने के बाद आप लिखिए डेट। और आपको डेट नहीं डालना है, बट बस ऐसे ही आप यहाँ पर डॉट 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 करते जाइए, और इसका प्रिंट आउट जब आप निकालोगे तो आपको जिस दिन इंटरव्यू वगैरह देने हैं उस दिन का डेट वगैरह आप यहाँ पर दे दीजिएगा। बाकी ऐसे मैंने कर दिया। फिर आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना होगा, तो अजय यादव मैं लिख देता हूँ, और इसको आप लोगों को कोष्टक में रखना होगा। तो एक ब्रैकेट मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, कुछ ऐसे ब्रैकेट वगैरह हमने ले लिया, और इसको आप बोल्ड कर दीजिए, यहाँ पर क्लिक करके आप इसको बोल्ड कर दीजिए। फिर आप देख पाओगे आपका जो रिज्यूम है वो रेडी हो चुका है। तो आप कुछ इस प्रकार से रिज्यूम वगैरह बना सकते हो, देख पाओगे। और ये थोड़ा दूर दूर दिख रहा है, तो इसको पास करने के लिए ऐसे आप सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको जैसा मैंने बताया यहाँ क्लिक कीजिए, और रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ पर क्लिक कर दीजिए। ओके, आपका जो रिज्यूम है वो बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है, और मेरा रिज्यूम बिल्कुल कुछ ही ऐसे ही बना है जो कि आप देख पाओगे यहाँ पर बिल्कुल सेम रिज्यूम है। कुछ इस प्रकार से रिज्यूम वगैरह बना सकते हो, और आप चाहो तो यार इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो। लाइक मैं अगर इसको कलर वगैरह मैं इसका चेंज करके आप लोगों को दिखाऊँ, बिल्कुल सिंपल है। आप यहाँ से जो भी कलर वगैरह देना चाहो वहाँ से आप कलर वगैरह दे सकते हो। लाइक मैं आप लोगों को ये वाला कलर लोगों को दिखाने के लिए डार्क कलर वगैरह हमने ले लिया। डार्क यार ज़्यादा हो जा रहा है, तो थोड़ा हल्का कलर वगैरह यूज कर लेते हैं। तो चलिए इस वाले कलर को यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया पेंटिंग, यहाँ फिर इस पर, यहाँ कुछ भी नहीं करना गाइस आप लोगों को। जहाँ पर आप क्लिक कर रहे हो वो ऑटोमेटिक लेता जाएगा आपको, सिर्फ और सिर्फ जैसे मैं कर रहा हूँ फॉर्मेट पेंटिंग पर क्लिक करना है, और यहाँ से आप ऐसे पेस्ट करते जाइए कुछ इस प्रकार से। तो आप देख पाओगे बिल्कुल कुछ ही देर में आप पैसे चेंज वगैरह कर पाओगे। सो गाइस आप भी एक बिल्कुल परफेक्ट कुछ इस प्रकार से रिज्यूम वगैरह बना पाओगे, और फोटो को आप अच्छे से चेक कर लीजिए कि आपने एडजस्ट वगैरह किया है या नहीं। आप यहाँ आपने जो नाम वगैरह लिखा है, यहाँ आपने जो नाम वगैरह लिखा है वहाँ से लेकर के और यहाँ साइड में आप दिख रहे हो, कुछ ऐसे आपका वी लाइन वगैरह आना चाहिए, तो ये बिल्कुल कम्प्लीट सेट हो जाएगा। सो आप भी कुछ इस प्रकार से रिज्यूम वगैरह बना पाओगे बिल्कुल मस्त तरीके से जैसा कि मैंने बनाया। और इसको सेट करने के लिए या फिर प्रिंट करने के लिए आप कंट्रोल और पी बटन का यूज करके आप इसको देख पाओगे कुछ इस प्रकार से कंप्लीट प्रिंट वगैरह कर पाओगे। और आप देख पाओगे जो भी मैंने कलर वगैरह यूज किए थे बिल्कुल सेम कलर वगैरह यहाँ पर भी आ रहे हैं, और वो जो आप लोगों को डॉट वगैरह दिख रहे थे यहाँ पर नहीं दिखेंगे। और अगर आप लोगों को ये सेव करना है तो सेव करने के लिए आपको यहाँ फाइल पर क्लिक करना है और सेव एज पर क्लिक करना है। सेव एज पर क्लिक करने के बाद आपको डेस्कटॉप या फिर जहाँ भी आप सेलेक्ट करना चाहो सेलेक्ट कर सकते हो, और आपको जो भी फॉर्मेट वगैरह में ये सेव करना है वहाँ पे आप वो फॉर्मेट सेलेक्ट कर लीजिए। फिलहाल तो मैं पीडीएफ में सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ से आप इसका एक नाम दे दीजिए, रिज्यूम 3 मैं नाम दे देता हूँ क्योंकि सेम नंबर भी हो सकता है। और उसके बाद आप देख पाओगे मैंने कुछ इस प्रकार से रिज्यूम नाम दे दिया, और इसको सेव कर देते हैं। सो सेव कर दिया हमने, और आप देख पाओगे ये हमारा रिज्यूम बन के रेडी है। और ये था हमारा ओल्ड वाला रिज्यूम और ये था न्यू वाला रिज्यूम। तो आप देख पाओगे कुछ ऐसे आप भी रिज्यूम वगैरह बना पाओगे। गाइस ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, डेफिनेटली इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो में मैंने काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को अच्छे से बताने की कोशिश की है। बाकी अगर वीडियो में कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ यार माफ़ कीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नए चैनल पे तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पर सेट कर दीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही मज़ेदार वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसे मज़ेदार टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ।